किसी से कोई मुकाबला ना मेरी किसी से कोई रेस, मेरे पास है ओनली बेस। टिकट की तलाश में घूम रहे हो, बेस कहीं मिल नहीं रही, जो मिलती है वो आपको पसंद नहीं आ रही, मेरे पास आ जाओ, यहां पर आपको अंडर बजट जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो दे दूंगा क्वालिटी, और बड़े बड़े ब्रांड को जो मात देगा, जो 20-20 हज़ार में आप देखते हो मगर ले नहीं पाते, यहां आ जाओ इतने सस्ते में दे दूंगा कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये आपको 2000 रुपए का मिल जाएगा सिंगल टावर, जिसके अंदर आपको 5.25 इंच सबवूफर मिल जाएगा। मॉडल की बात कर लेते हैं, ये आपको मात्र 3300 का मिल जाएगा सिंगल टावर 017 मॉडल है, 8 इंची सबवूफर के अंदर आपको मिल जाएगा डीप बेस के अंदर। 10K मॉडल जो है, 8K मॉडल सॉरी, यहाँ पर आपको 8 इंची फ्रंट फायर बूफर मिल जाएंगे। डबल टावर जो आपको 10,500 विद कोडलेस माइक मिल जाएगा, और टावर ये आपको 3500 होकर सिंगल टावर मिल जाएंगे। ये मेरा ब्लैक डायमंड मॉडल डबल टावर आपको 5200 विद कोडलेस माइक। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको जो है मिल जाएगा हमारा हीरा 4 मिनी जो है आरजीबी लाइट्स के साथ मात्र 9500। गाड़ियों वाला बेस घरों के लिए ढूंढ रहे हो और वो भी 70-75 हज़ार रुपया खर्च आ रहा है, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर देख लो, उससे भी 10 गुना कम में मात्र 5200 रुपए के अंदर दे दूंगा, और मजा भी ऐसा आगा कि गाड़ी वाली बेस को भूल जाओगे, गारंटी से बोलता हूँ, एक बार यहाँ पर आके देख लो। क्या आप भी किसी द्वारा ठगे गए हो? चमक धमक देख के वीडियो के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं और बहुत सस्ते में दे रहा, और आप भी फंस चुके हो, तो कोई बात नहीं, अपना टाइम निकालो और मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि बेस क्या होती है, साउंड की क्लैरिटी क्वालिटी क्या होती है, एक बार फ्लो बीट्स में आके देखो, आपको पता लग जाएगा। घर में शादी है, डीजे वाले से पता करके आए हो, 50-60-70 हज़ार रुपए मांग रहा है, क्यों हो गए ना परेशान? कोई बात नहीं, यहां पर आ जाओ, यहां पर देखिए 17,000 रुपए में ऐसा टावर दे दूंगा कि डीजे वाला भी घर पे आके पूछेगा कि भैया किसका डीजे लगवाया है, मगर बताना मत के फ्लो बीट से लेके आए, नहीं तो वो भी मेरे पास पहुंच जाएगा और आपके साथ टक्कर लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ अब यहाँ पे जुड़ चुके हैं जतेंद्र पाजी फिर से एक बार, कहाँ से? फ्लो बीट से। तो पाजी, इस बार हमें बहुत दिनों के बाद आप के पास आने का मौका मिला है जी, तो इस बार हमें किस तरीके के स्पीकर दिखाने वाले हो? आगे सीजन है भैया। बिल्कुल, उसके अलावा पार्टीज वगैरह होती है, बर्थडे की, और जिम वगैरह में तो चाहिए ही होते हैं अक्सर, जो है जिनकी भी इनॉग्रेशन वगैरह होती है, तो सबसे बड़ी इशू यह रहता है कि जगह बड़ी है, समझ नहीं आ रहा कि सराउंड सिस्टम कैसे बनाए मैं अपने सिस्टम। पाजी, कुछ लोगों को आपसे दिक्कत भी हो रही है। हाँ, बताऊं क्यों? क्यों? पहले हर फंक्शन होता था, छोटा मोटा डीजे वाले को बुला लेते थे, वो 2 स्पीकर ले आता था, बजाता था, 5,000 रुपए पकड़ के चला जाता। आपने ऐसे स्पीकर बना दिए, डीजे वालों को जो फील कर रहे हैं। बिल्कुल, डीजे वालों को फील कर रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो आप 5,000 रुपए देके 6,000 रुपए देके लगवाते थे, वो सर का दर्द होता है, या कि नहीं, आप जितना टाइम नाच रहे हो ठीक हो, उसके बाद आपको जो है सर दर्द हो रहा है, ना क्लैरिटी ना क्वालिटी। मगर मैं यहाँ पर आपको देखिए इतने हैवी टावर स्पीकर देता हूँ, हाई बेस के अंदर, मगर सूथिंग साउंड के साथ देता हूँ ये टावर स्पीकर। बिल्कुल। तो भाजी, कितने से स्टार्ट कर देते हैं हम? स्टार्ट की बात करें तो यहाँ 2,000 रुपए से आप जो स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो टावर है 2,000 जी हाँ, उसके बाद जो अपने यहाँ 3,000 रुपए से टावर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो डीप बेस के अंदर ये 3,000 रुपए वाला मिल जाएगा। देखिए, साउंड के सिग्नेचर्स की बात करें तो वो आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खाने के अंदर टेस्ट होता है और फ्रेग्रेंस जो होती है आपकी परफ्यूम के अंदर होती है, तो साउंड के अंदर भी सिग्नेचर्स होने चाहिए, होते भी हैं, जो आप लोगों को नहीं पता होता। आप एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ 10 तरह के स्पीकर्स पड़े होते हैं, आपको कुछ पसंद आता है मगर आपके साथ एक और आता है उसको कुछ पसंद आता है। भाजी, अब एक चीज़ बताओ, जितने वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर हैं जी, वो कितनी जगह वीडियो बनाते होंगे, राइट? लेकिन वो स्पीकर आपसे ही लेके जाते हैं। हाँ, है? मतलब जब यार हम लोग इतनी जगह पे जाके बनाते हैं, यूट्यूबर हर जगह पे ऑलमोस्ट वीडियो बना चुके होते हैं, लाजपत राय जैसे मार्केट में भी 10-10 दुकानों पे वीडियो कवर कर ली होती है, लेकिन फिर भी लेके फ्लो बीट से जाते हैं। एक्चुअली देखिए, मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मकसद है, मेरा बेचने का कोई मकसद नहीं है ना, मैं आज तक भी मैं सेल के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। मैं क्लियर बताऊं, मैं डे वन से बोलता हूं भाई, मेरे को सिर्फ 10 जो है लोगों को टारगेट करना है, और वो 10 भी वो हैं जो म्यूजिक लवर हैं, जिनको साउंड की नॉलेज है, जिनको सारी चीज़ें जो है एक्यूरेट चाहिए, जिनको जो है हर्ट्स चाहिए पूरे प्रॉपर परफॉर्म करते हुए, नोट्स पूरे प्रॉपर चाहिए, और यहाँ पर जो है आवाज़ की बात करें तो बेस के साथ सूथिंग साउंड चाहिए। बेस लवर तो मैं खुद हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि हाँ भी एक ऐसी ही चीज़ बनाऊँ। सबसे अच्छी बात है कि मैं लोज बड़े परफेक्ट देता हूँ, यानी स्लो वॉल्यूम के अंदर जब बेस कहीं नहीं मिलती आपको, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दूंगा। और आप एक चीज़ नोट करते हैं कि कभी भी जो है तबला गिटार ये चीज़ें मिस होती हैं सामने हाई से, वो हम आपको जो है बराबर एकदम परफॉर्मेंस में देते हैं, ताकि आपको जो है एक बेटर जो है प्रोडक्ट मिल पाए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इतनी हाई क्वालिटी के अंदर जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, उसको देते हैं बिल्कुल लो बजट में, ताकि हर किसी की पॉकेट अलाउ कर पाए। चलिए पाजी, अब हम सजावट देखने स्टार्ट कर लेते हैं, और इस बार कौन से मॉडल पे ज्यादा फोकस है अपना, जो सबसे हाईली डिमांड क्या चल रहा है? हाईली डिमांड तो हीरा 4 प्रो ही चल रहा है पाजी, ये थोड़ा सा बजट इसका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, राइट? अब किसी का बजट देखो क्या होता है कि भैया हर किसी का यही लेने का मन करेगा, लेकिन कईयों की पॉकेट अलाउ करती है, कईयों की पॉकेट नहीं करती, एक ऐसा कौन सा स्पीकर है जो सबके बजट में आएगा? और ये सेगमेंट ले लो आप, ये वाला। अच्छा, ये 4 जो मॉडल रखे, ये वाला सेगमेंट ले लो आप,
इसके अंदर यहाँ पर देखो आपको ये हमारा ब्लैक डायमंड जो कोर्डलेस माइक के साथ है, धुआं उड़ा देगा भाजी, ये, के अंदर। ये दो टावर है, सिंगल टावर, डबल टावर, डबल टावर है। जब ये चलेगा तो ये भी जो है पूरा धुआं उड़ा देगा, ये बता रहा हूँ मैं गारंटी से। क्यों? क्योंकि 90 मैग्नेट के अंदर है, 6-6 इंची दो जो इसके अंदर सबवूफर लगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत परफेक्ट है। और इसके अलावा इसके अंदर रोलिंग बेस मिल जाती है, लोस बड़े परफेक्ट मिले आपको, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी आपको, 7294 आईसी के अंदर मिलेगा आपको। तो ये अगर आप चाहते हैं सिंगिंग करना चाहते हैं तो ये ले जाइए। देखिए इसके पीछे जो है कोर्डलेस माइक का ऑप्शन भी है यहाँ पर। कितने का पड़ेगा ये आपको? 5200 का मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे आप तो कपलर टू कपलर यहाँ सिस्टम दिया हुआ है, कोई लूज वायर नहीं। ये जो है इससे ज्वाइंट करने के लिए इसका कपलर होता है। और वायर देखिए कितनी हैवी दी गई है, पूरी मोटी जो है, चालू काम नहीं है, कोई चालू काम नहीं। ना मैं करता हूँ ना मैं करूंगा जिंदगी में कभी, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 200 रुपये आपसे, 300 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लूंगा, मगर क्वालिटी में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बेशक मेरे पास, मैं फिर से बोलता हूँ कि मेरे को 50-100 बंदों को नहीं देना, मेरे को मात्र जो है 10 बंदों को देना होता है, पर क्वालिटी में। उपा जी ये वाला स्पीकर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब मैं लेट आया हूँ तो बहुत चीजें आ गई है अपने पास। जी हाँ, बहुत चीजें आ गई आपके पास। यहाँ पर देखिए ये भी चीज आ गई है आपके पास। हाँ, ये लाइट वाला तो बड़ी देर से देख ही रहा था। इसके बाद बाकी इस वाले की बात करते हैं। ये जो है हीरा 2 बीस्ट मॉडल है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को चाहिए कि मेरे पास 10,000 का बजट है, मगर प्रोडक्ट जो है मेरे को ऐसा चाहिए जिसके अंदर रोलिंग बेस तो हो ही हो, साथ में जो है वाइब्रेशन भी परफेक्ट मिले और दूर तक जो है जाए। मतलब भाजी पड़ोसी का 50-60 हज़ार वाला सिस्टम फेल कर सकता है? आराम से कर देगा, आराम से कर देगा ना। जी हाँ, 4 इंची 2 mid-range 4 इंची यहाँ पर 2 highs मिलती हैं आपको, जहाँ से आपको वोकल्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपको बीट्स आती हैं। जो आप देखते हो ना गिटार वगैरह जो प्ले होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट की यहाँ से बीट्स आती हैं। 10-10 इंची 2 subwoofer मिलते हैं, 120 मैग्नेट के अंदर मिलते हैं। 120 मैग्नेट के साथ आपको किट भी बहुत हैवी मिलती है, ड्यूल कॉयल के अंदर आपको मिलता है। कॉयल में भी जो आप देखेंगे तो जहाँ आपको 28mm 29mm मिलती है, हमारी 32mm की कॉयल होती है जिसके अंदर की आपको परफेक्ट जो है बेस आती है। और उसके अलावा ड्यूल एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट जो है वो रहता है। भाजी जितनी आपने बातें बताई है ना अभी इतनी डीप में, मतलब इतना तो कस्टमर को पता ही नहीं होता है। जी हाँ, कस्टमर तो आवाज सुनता है खाली, भी आवाज धमाका आनी चाहिए। राइट, मगर क्या होता है देखो, अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को मेरी बात से कम से कम ये तो समझ आएगा कि यार ये टेक्निकल बंदा है तो इसको, क्योंकि हमने देखो साउंड इंजीनियरिंग की, करने के बाद फिर हम लोग जो है यहाँ सामने आए, पहले अपने लिए सिस्टम डिजाइन किया क्योंकि हमें शौक था, फिर ये शौक को हमने अपना प्रोफेशनल बनाया और हमने सोचा चलो यार जो मार्केट के अंदर जो गंद मच रहा है कम से कम उसको जो है दूर किया है। क्योंकि यार आप लोगों को क्या है, पैसे तो आप खर्च करते हो पर नॉलेज नहीं आपको मिल पाती कि आप स्पीकर की लाइन के समाज से भगो आप। जी ये ही आप समझिए। तो यहाँ पर हीरा 2 बीस्ट आपको कोर्डलेस माइक के साथ आपको मिलता है और यह 12mm वुडन की थिकनेस रहती है। यहाँ पर ये जो इसकी जो थिकनेस होती है इसका बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले होता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो इसकी थिकनेस है ये एक अहम रोल प्ले करती है। और एयर एग्जॉस्ट भी देखिए इसके बैक साइड में दिए गए हैं पीछे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये एयर एग्जॉस्ट है। अब पीछे एग्जॉस्ट देने का मतलब ये है कि जब दीवार से जाके एयर लगती है और उस क्रॉस होकर सामने की तरफ आती है तो बेस बहुत ज्यादा इनहेंस होकर निकलती है। तो यही रीजन है कि एक एक छोटी छोटी चीज को देख के हम लोग बनाए थे। और इस बार तो हमने जो अपने सिस्टम है उनको, उनके साउंड है उसको सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइन किया है ताकि आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े साउंड के साथ। चलिए पाजी अब एक बार इसकी भी बात कर ले जो उसके बगल में रखा है स्पीकर। जी हाँ, ये आज ही देखिए आया है, आज ही आया है। जी हाँ, पहले इस कलर में था H1 Beast, अब पूरा ब्लैक कर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे फुल ब्लैक बॉडी के अंदर आपको मिलता है क्योंकि ब्लैक की बात ही लगा है, डिमांड थी कि कस्टमर की कि ब्लैक में लेके आओ, तो ब्लैक में इसको वापस हम जो है लेके आ गए। H1 भाई मेरे को एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, ये तो दोनों सेम मॉडल है, अपने स्पीकर है बड़े बेसिक से देखने में। हाँ, और लोग बता जैसे हम बड़े मार्केट में चले जाए चांदनी चौक की तरफ जो मार्केट है नाम नहीं लेता हूँ, वहाँ बड़े चमक धमक वाले स्पीकर होते हैं जी, कस्टमर उनके ऊपर क्या कहते हैं लट्टू हो जाते हैं जी। देखिए शक्ल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बेस है ना, बेस और साउंड वो हमेशा जो है वुडन में से ही निकलेगा बाहर, इस चीज में तय है। मैं जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज कर लूंगा उतना ज्यादा जो है इसकी क्वालिटी में मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी भी आप बड़े ब्रांड देख लेंगे, बड़े बड़े जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है वो वुडन में ही सिर्फ डील करते हैं। स्पीकर ही लाख लाख रुपए के हैं, 30-30 हज़ार से शुरू होते हैं, 30 नहीं 2.5-2.5 लाख से शुरू होते हैं। ऐसे भी ब्रांड है, मतलब 10 ब्रांड ऐसे हैं जिनके स्पीकर की स्टार्टिंग ही 2.5 लाख से 7.5 करोड़ तक है। उत्तरी 7.5 करोड़, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने अभी 2 टावर लॉन्च किए 7.5 करोड़ के, मतलब ऐसे भी हैं। तो वो देखेंगे वो भी वुडन के अंदर है, ये नहीं उसके अंदर गोल्ड लगा है, वो भी वुडन के वुडन अंदर में ही है वो भी। तो अगर आपको एक्चुअल बेस और एक्चुअल साउंड चाहिए तो आपको जो है यहाँ इन टावर्स पे वुडन पे ही जाना पड़ेगा। ज्यादा प्लास्टिक अगर आप यूज करेंगे, जैसे हम अब बात कर ले पार्टी बॉक्स की, पार्टी बॉक्स में क्या होता है कि वो प्लास्टिक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ जो है इसके कंपेयर में आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है बेस। बिल्कुल, चलिए पाजी अभी है कितने का? ये जो है आपका 7500 का H1 Beast। जी हाँ, ये H2 Beast जिसके अंदर 10 इंची 120 मैग्नेट है, ये आपको 8500 का पड़ेगा।
दोनों कोर्डलेस माइक के साथ हैं। सिंगिंग आप कर सकते हो, कैरियोके ऑप्शन फीचर आपको दे दिया है रिमोट कंट्रोल के साथ। ये लाइट वाला जो निकाला है ये, हाँ ये आरजीबी लाइट में निकाला है, डिमांड जैसे आपने बोला ही कि हाँ भी थोड़ी लाइट मांगते हैं लोग तो उनके लिए निकाल दिया। मगर मैंने देखिए लाइट भी कोई चीप नहीं दी, सिंपल सोबर लाइट दिया, आरजीबी लाइट दिया, और लाइट के साथ साथ इसके 8 चेंजिंग मोड भी दे दिए। अच्छा अच्छा, लेकिन इसको 8 कलर्स में आप जो है अलग अलग मोशन में चेंज भी कर सकते हो। और इसके अलावा 8-8 इंची 4 सबवूफर यहाँ पर दे दिए हैं, जिसके अंदर आपको 100 मैग्नेट मिलती है 8 इंच के अंदर। और इसको जो ड्राइव जो है, इस ड्राइवर को प्ले करने के लिए जो अंदर सर्किट है वो मॉस्फेट लगा हुआ है, जिसको ट्रांजिस्टर सर्किट बोला जाता है। 5200 तोशिबा के जापान ओरिजिनल मॉस्फेट है, जापान के। अच्छा, जापान के ओरिजिनल मॉस्फेट। जी, ओरिजिनल मॉस्फेट यूज करते हैं हम लोग, वो कॉपी कोई नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है डीप प्लस रोलिंग बेस आपको साउंड सिग्नेचर भी मिल जाता है, जिन लोगों को वाइब्रेशन पसंद है साथ में उसके डीप बेस चाहिए उनके लिए बेस्ट है। और इसके एक बार लाइट के मोड भी आपको चेंज करके दिखाता हूं। अच्छा, लाइट के मोड भी मतलब आरजीबी लगा दी, इसका ये मतलब नहीं चेंज होगा, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर, हाँ जी। और पाजी ये वैसे भी चलेगी, जो अगर म्यूजिक चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग भी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग भी चलेगी। ये देखिए, ये सेकंड मोड, ये थर्ड मोड, ये फोर्थ मोड, ये फिफ्थ मोड, ये सिक्स्थ मोड, ये सेवंथ मतलब एट्थ मोड। मेरा बड़ा प्यारा फेवरेट मोड है ये, देखिए ये एक मोड है। अच्छा, जो चेंज होते रहती है, जो चेंज होते सब में चेंज है, पर इसका थोड़ा फास्ट होता है और एकदम से थोड़ा सा स्मूथली ये चलती है, तो मुझे ज्यादा पसंद है ये मोड। मतलब पूरा एम्बियंस चेंज कर सकती है, पूरा एम्बियंस चेंज कर सकती है ये। और सबसे अच्छी बात ये है, अभी तो इतनी लाइटिंग में हम दिखा रहे हैं तो भी इतनी क्लियर दिख रही है, तो भी इतनी क्लियर क्वालिटी है एकदम इसके अंदर जी। मतलब लाइट में भी देखो पाजी, कई लोग क्या होता है लगा देते हैं, भाई कस्टमर है ले जाएगा छोड़, लेकिन आपने ऐसे लगाया कि जैसे आपको खुद यूज करना। ऐसी ही चलती है मार्केट के भाई, लगा दो पेल दो, पेलम पिलाई चलती है और कुछ नहीं चलता इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने बोला था आज से एक साल पहले कि इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आऊंगा, मतलब फ्लो बीट्स का आना मतलब रेवोल्यूशन है, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लुक को लेके हो। अब हीरा 4 प्रो को देख लो, किसने सोचा था। रुक जाओ, अभी नहीं सोचेंगे, पहले इसका रेट बताओ। इसका प्राइस 9500 9900 रुपए। और ये डबल टावर है, 34 इंच हाइट के अंदर है। और देखिए ब्लैक जो है, ब्लैक पूरा जेड ब्लैक है हमारा मैट, उसके ऊपर ये शाइनी पैनल के ऊपर देखिए ये पाजी, मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हो ये वाला, तो आप मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से। नहीं ये नहीं, सारे ही मैं कॉस्ट टू कॉस्ट देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये अपनी फील्ड, ये जो है पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये अपने शौक के लिए, जहाँ से हमने कमाना है वो ऊपर वाला। पाजी अपने शौक के लिए, जो शौक पूरा नहीं कर पाते पैसों की वजह से, कम बजट की वजह से, उनके शौक पूरे करने के लिए। ये सारे ही बजट में, लेकिन क्या होता है ना इसके अंदर भी है, देखो ये सारे बजट के अंदर ही अगर देखा जाए तो, हाँ, लेकिन अगर इसमें भी नहीं ले पाते तो उसके लिए भी निकालो। और इसकी भी साउंड बहुत बढ़िया है पाजी, कितना बेच लिया होगा ये वाला आपने ब्लैक डायमंड, एक अंदाजा क्वांटिटी बताओ। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से 14,500 के आस, 14,500 पीस आप बेच चुके हैं। 14,500 पीस के बेच चुके हैं, मतलब क्योंकि ऐसी चीज है ना ये सबके बजट में, राइट, और बहुत सिंपल सोबर और एलिगेंट चीज बनाई है बिल्कुल। चलिए पाजी अब हम इसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको रोक दिया था बीच में। अब तो मैं यही बोल रहा था, देखो ये चीज क्या होता है कि जब बेस ज्यादा बढ़ जाती है तो वोकल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमेशा। बिल्कुल, तो वोकल में कॉम्प्रोमाइज ना हो तो देखिए मेरी टीम और मैंने मिलकर क्या किया, जो मिड रेंज होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ अपर मिड रेंज और यहाँ लोअर मिड रेंज। यहाँ लोअर मिड रेंज 4 इंची और अपर मिड रेंज 6 इंची रख दी, और यहाँ 4-4 इंची के दो हाइज रख दी हैं। इसके अलावा जो मेरे ये टावर हैं, या फिर हीरा 3 प्रो मैक्स की बात करें, ये जो है 27 हर्ट्ज़ से परफॉर्म करते हैं। आजकल आपको बता दूं, जितने भी पंजाबी सॉन्ग या अपने हिंदी हरियाणवी सॉन्ग हैं, ये सारे जो है ना 27, 28, 30 हर्ट्ज़ में जो है इनकी बेस जो है फ्रीक्वेंसी सेट की थी, वो डिज़ाइन किया था साउंड, ताकि आपको बेस जो है बहुत ज़्यादा डीप आता है। इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम जो मोस्टली जो आपके टावर स्पीकर हैं या होम थिएटर हैं, वो फेल हो जाते हैं, परफेक्शन नहीं आ पाता साउंड को लेके। बात पाजी नई चीज बता दी, पहले हम कहते थे टीवी में क्लैरिटी है भाई 2160 FPS, अब इसके अंदर भी 30 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। और नॉर्मली आप जितने भी टावर देखते हो वो 50 हर्ट्ज से परफॉर्म करते हैं, 40 या 50 हर्ट्ज से परफॉर्म करते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ फ्लो बीट्स में जो है आपको ये टावर अपना 27, 28 ये हर्ट से जो आपकी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको एकदम परफेक्शन आता है। अगर आप कोई भी पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, हम भी अभी सुनेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको टेस्टिंग देता हूँ एक एक। बिल्कुल, जी आप बताओ नेक्स्ट कौन सा स्पीकर टेस्ट करवा रहे हो। यहाँ पर आपको एक बार ब्लैक डायमंड टेस्ट करवाते हैं, हेडफोन्स लगा लेना ताकि बेस मतलब सस्ते के अंदर यह है प्रीमियम चीज, प्रीमियम को टक्कर देगा सस्ते रेटों में। मेरे पास जितनी भी आपको क्वालिटी मिलेगी सारी प्रीमियम मिलेगी, अगर प्ले करते हैं। ये देखिए प्ले कर ले, अभी ये स्लो के अंदर भी टेस्टिंग ले लो, स्लो के अंदर जो मैं बेस की बात करता हूँ आपको। बिल्कुल, ये देखिए। तो पाजी आप कौन सा स्पीकर सुनाने वाले हैं? आपको H2B सुना देता हूँ।
मतलब पाजी ऐसा है कि बीट पे नाचने का मन हो जाता है। एग्जैक्टली देखिए चीज ही वही बनाता हूँ, हम लोग जो है ना साउंड के लवर ज्यादा होते हैं, हम अपनी बात करें पंजाबी थोड़ा नॉर्थ इंडियन जो होते हैं, हाँ जी, क्योंकि म्यूजिक में जहाँ भी म्यूजिक में नाचना चालू करते हैं। तो मेरा खुद का भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही है कि यार कोई ऐसी चीज ही बननी चाहिए जो हमें पसंद आए, हमें पसंद आएगी तो ऑब्वियस ही बात है सबको पसंद आनी ही है। बिल्कुल पाजी, एक चीज और कहना चाहूंगा, अपने पास है लिमिटेड मॉडल, राइट, लेकिन एक भी मॉडल ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर कह दे यार मजा नहीं आया। मैंने कंफ्यूज नहीं किया किसी को भी कि एक प्राइस रेंज के अंदर 10 मॉडल, क्योंकि मैं खुद का बनाता हूँ किसी से लेके। पाजी कई लोग ऐसा करते हैं, मॉडल सेम होता है खाली लाइटेड डिफरेंट डिफरेंट लगा के डिफरेंट कर देते हैं, शक्लें अलग अलग कर देते हैं, बहुत अंदर ढांचा वही होता है, वही होता है।